और अभी हो चुकी है सुबह, चुके हैं कितने बज चुके हैं 10:30, और अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मम्मा के ऊपर प्रैंक हुआ था, और उसका पार्ट टू भी जल्दी आएगा। और अभी यहाँ पे निशु को फ्लावर मिला है। जना फ्लावर किसने दिया आपको? अंशु भैया ने। वाह, उसको सुन के बताओ और ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने पोहे खा लिए थे थोड़ी सी टीवी एंजॉय करते हुए, और टीवी में ज़्यादा कुछ वनडे से ब्लॉग देखे थे और कुछ नहीं देखा, कुछ खाने का नहीं। और ये देखो बाल बिगड़े हुए हैं, क्योंकि अभी अभी मैं क्या है सोई थी, और सोते ही उठते ही मैं सीधा सोफे पे बैठ गई टीवी देखने, क्योंकि उठते ही क्या चाहिए होता है, सब लोगों को फ़ोन चाहिए होता है, मेरे पास फ़ोन होता नहीं है, इसलिए मैं टीवी देख लेती हूँ सबसे पहले। और ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, ब्रेकफास्ट में सेम वही है जो कल हमने कुरकुरे खा के वही है, तो वही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। वैसे पोहे खा लिए थे बट आई डोंट लाइक पोहे, दैट्स व्हाई। अम्मा न्यूज़ में क्या पढ़ रहे हो? मैंने ये पढ़ा है पाकिस्तान में एक महिला ने 6 बच्चों को जन्म दिया है, चाचा बेबी हुए हैं, 6 बेबी। हाउ दे कैन सर्वाइव विद दैट, कैसे रह पाएंगे वो, थिंकिंग वाली बात है। अभी मैं थोड़ी बिगड़ी हुई थी, तो मैं ना नहा धोकर मिलती हूँ आपसे अच्छे रूम में, और मेरी स्किन केयर करना, और मुझे शॉपिंग करने भी जाना था थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरा डब का शैम्पू है वो भी खत्म होने वाला है, और दूसरा था कि मुझे एक सनस्क्रीन लानी है और फेस वॉश लाना है, तो वो सारी शॉपिंग भी जल्दी करनी होगी। चलो अभी नहा धो के मिलती हूँ आपसे। क्या हुआ गना? अब फ्लावर टूट गया। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं आप ये ले लो। टूट गया ये तो नहीं जुड़ेगा बाबू, इसको तो फेंक दो और ऐसे रख लो। अब मत तोड़ देना है ना, तोड़ दो कतई, मस्त तरीके से तोड़ दो। मैं आ चुकी हूँ ना धोकर, और इस बार जो है वो मेरा फैशन थोड़ा अलग है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरा वन पीस जो कि आप सभी को पता है, और इस वन पीस पे मैंने इसको थोड़ा हाफ करके पहना हुआ है, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टाइल, और अभी हेयर स्टाइल नहीं बनी है बट विदाउट हेयर स्टाइल भी बहुत प्रीटी लग रहा है। यू गेट इमेजिन कि कैसा लगा आप बताना, इतना प्रीटी है ना। और बताओ मैंने ना यहाँ पे मैं जो वो टेढ़े मेढ़े होते हैं ना वो यहाँ पे छुपा के रख रखे थे, क्योंकि मेरे टेढ़े मेढ़े है ना कोई भी खा जाता है, तो नहीं रहते ये मैंने कल पैक करके रख दिए थे, थोड़े से खाली थे, लेकिन बहुत ज़्यादा थे, और फिर पेट भी तो है ना, तो पेट का सिस्टम भी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा आज अब खाते हैं फटाक से जल्दी से, तो लेट्स ईट सम टेढ़े मेढ़े। मुरझा से जाए हेड के जैसा तो मैंने कल दिखाया था आपको, लेकिन अब ये थोड़े मुरझा गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें जान तो है, तो लेट्स ईट। बाय द वे आप कमेंट्स में बताना कि आपका फेवरेट जंक फूड कौन सा है, वो मुझे बताना ज़रूर। अलग चलो ब्रेकफास्ट कर लेते देर मेरे वाला, फिर मिलती हूँ लंच में। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी जो हूँ मैंने किचन साइड में बनाए गोल गप्पे, तो ये रहे वो क्यूट से गोल गप्पे, ये छोटे छोटे गोल गप्पे हैं यू कैन सी, और यहाँ पे 2 टाइप्स के मसाले हैं, जो कि 2 टाइप्स मसाला है, ये हैं छेद करने के लिए, गोलगप्पे में छेद करो, फिर यहाँ से दोनों टाइप के मसाले रखो, और फिर यहाँ पे है इनका क्यूट सा पानी, और इससे जो है वो पानी भर के गोलगप्पे खा लो। मैंने आपको खिला दिया, ये मैंने अभी बचा के रखा हुआ है। सो गाइस अभी शाम हो चुकी है, और शाम के 6:15 हो चुके हैं, और यहाँ पे मेरी स्लीपर्स है, बॉटल है, और मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, तो जो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन एक्सरसाइज होती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी की सारी एक्सरसाइज तो मैं आपको कल के ब्लॉग में भी दिखा दूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो, वरना कभी ना कभी। और ये मैं ज़्यादातर आपको स्ट्रेचिंग दिखा रही हूँ, जो कि आप भी कर सकते हैं, इससे आपकी स्ट्रेच हो जाता है और अच्छा होता है, और साथ ही साथ योगा, योगा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो पद्मासन और ये सब आप करते हो तो प्लीज़ इसे करा करो, रोज़ ही करा करो, ये नहीं है कि आपने एक दिन छोड़ दिया। और ये हैंड की मसाज है, बिल्कुल बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, फिर आपको लेट के करना है पैरों की,
इससे पैर स्ट्रेच होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और ध्यान ऊपर देना है। और फिर मेरे को निक्की आंटी ने बताई थी ये दीपिका पादुकोण की एक्सरसाइज, जिससे आपकी कमर पतली होती है। तो ये करना तो बहुत हार्ड है, बट मैं धीरे धीरे रोज़ करूँगी ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये है मेरी प्यारी सी कार्टव्हील, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आई लाइक इट कार्टव्हील सो मच। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मैंने कितनी अच्छी एक्सरसाइज की, तो मैं रोज़ शाम में यही करती हूँ। मम्मा सिर्फ घूमती है बट मैं एक्सरसाइज करती हूँ, एंड इवेंचुअली इससे मेरे पैर फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। मुझे सिर्फ ये और ये चीज़ पतली करनी थी, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था। और ये पूरी छत का है और गाने भी बज रहे हैं, तो फिर और मज़ा आ रहा है। ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज है कार्टव्हील। कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको नहीं दिखाई वरना व्लॉग लंबा हो जाता। सनसेट फुली हो चुका है और कार्टव्हील कर लेती हूँ थोड़ी सी और उसके बाद मैं मम्मा की तरह घूमूंगी, 15 राउंड लगाऊंगी टोटल। ये मेरा रूटीन है। हो सकता है मैं कुछ एक्सरसाइज कल के व्लॉग में दिखा दूँ अगर मुझे याद रहा तो, क्योंकि मुझे आज याद ही नहीं रहा। फिर याद आया अरे व्लॉग भी तो बनाना था, तो शाम होते ही बताया मैंने। शाम क्या, रात ही होने वाली है, तो चलो नीचे मिलती हूँ सीधा। तो गाइस, मैं यहाँ पे कंप्यूटर में पेंटिंग कर रही थी, मेरी कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है आप देख सकते हैं, और साथ में मैं एंजॉय करूँगी ये कॉफ़ी। मैंने पापा को बोला था कि पापा या तो केसर या तो इलायची लाना, मतलब जो ग्रीन कलर का फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। दाँत ही टूट गया, बट पापा लाए हैं बादाम वाला फ्लेवर, ये भी अच्छा होता है, हेल्दी होता है। पापा से धुल लगती है। सो गाइस, इसका कलर देख सकते हैं आप, फोकस करिए इस पर और कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिए। अब ट्राई करती हूँ, मैं पहली बार पी रही हूँ। क्या मस्त है, पूरा बादाम और इलायची का टेस्ट है, और इसमें जो कुछ भी डाला है ना वही सब कुछ सही है। गाइस, अभी हो चुकी है रात और रात हो चुकी है 9, और अभी मैं पी रही हूँ हेल्दी हेल्दी टमेटो सूप। इससे पहले मैंने बादाम का वो पिया था शेक बोलते हैं, उसके बाद ये हेल्दी है। और ये मत सोचना कि मेरे यहाँ पे लग गई, मैं भी क्या थोड़ा सा मेकअप दो सीख रही थी, शेक देख रही थी। गाइस, मेरा सूप खत्म हो चुका है और मैंने डायरेक्ट डिनर ले लिया है। डिनर में है दाल चावल देसी देसी के साथ में पानी। तो चलो गाइस, आई होप यू एंजॉय माय व्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और तब तक के लिए नमस्कार, जय। गाइस, यहां पे फूट रहे हैं बहुत जोर जोर से फटाके, क्योंकि यहां पे शादी हो रही थी अभी। ये देख सकते हो बहुत प्यारा व्यू है, गाने बज रहे हैं बादशाह के, और ये पूरा व्यू है सुंदर सा, प्यारा सा मन्ना सा।